कलेक्टर को पता भी नहीं, एसडीएम पिंकी मीणा पुष्कर मित्तल उन्हीं के हवाले से एसपी को लिखते थे निर्माण कंपनी पर कार्रवाई के निर्देश। तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल एसडीएम पिंकी मीणा पुष्कर मित्तल के कई कारनामे एसीपी जांच में सामने आए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में भ्रष्टाचार के मामले में दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल एसडीएम पुष्कर मित्तल व पिंकी मीणा के कई कारनामे एसीपी जांच में सामने आए हैं। एजीबी डीजी बीएल सोनी का कहना है कि उन्होंने वसूली के लिए कंपनी को तंग करने के कई तरीके अपना रखे थे। वसूली का दबाव बनाने के लिए प्लांट पर काम रुकवाने जैसे तरीके अपनाए जाते। एक्सप्रेस वे निर्माण में जुड़ी कंपनियों से घूस वसूली के लिए तीनों नेक्सस की तरह काम करते थे। दोनों एसडीएम दौसा कलेक्टर की जानकारी के बिना उन्हीं के हवाले से सीधे एसपी मनीष अग्रवाल को अधिकारी निर्देश पत्र लिखते थे और एसपी निर्माण कंपनी के खिलाफ एसएचओ को पत्र भेजकर कार्रवाई करवाता। पत्रों के विषय में दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। एसीबी द्वारा जब्त दस्तावेजों में कई खुलासे हुए हैं। दोनों ही एसडीएम की ओर से कलेक्टर की ओर एसपी को पत्र लिखा जाता कि सड़क बनाने वाली कंपनियां गड्ढे कर जनता को परेशान कर रही है और अवैध खनन चल रहा है। इस आधार पर एसपी जिले के थाना प्रभारियों को सर्वे कर कार्रवाई करने के निर्देश देते। यह सब जिन कलेक्टर के नाम से होता उन्हें भनक तक नहीं लगने देते। एसपी मनीष निर्माण कंपनियों पर पैसे के लिए उनका आर्थिक नुकसान करते। निर्माण में कंपनियों के मिक्सिंग मशीन से डामर मिक्स कंक्रीट डंपर से साइट पर भेजा जाता है। इस 2-3 घंटे में उपयोग करना होता, अन्यथा कंक्रीट ठोस होकर बेकार हो जाता है। एसपी यहां पुलिस व निजी लोगों को भेज मशीनें बंद करा कंक्रीट से भरे 12 डंपर रोक देते। इससे कंक्रीट में मशीनें खराब हो जाती। एक बार में ही कंपनी को 10 से 15 लाख का नुकसान होता। गत नवंबर व दिसंबर में एसपी महा 5 से 6 बार ऐसा कर चुका था। एसपी ने कंपनियों के माल से भरे वाहनों को जब्त करना शुरू किया। ऑन रिकॉर्ड 1 या 2 वाहन एमवी एक्ट के तहत जब्त होते थे, लेकिन 7 से 8 वाहन ऐसे ही पुलिस थाने में खड़े करवा देते थे। दौसा के ट्रैफिक निरीक्षक ने इस बारे में एसीबी को बयान दिए हैं। वाहनों में लगे जीपीएस लोकेशन से पता चले वाहन किस थाने में है, इसे भी जांच में शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।